नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इस पर इस वक्त देश में खूब चर्चा हो रही है। एक तो ये कि माना जा रहा है कि चुनावी वर्ष में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपना एक बड़ा वादा पूरा कर सकती है, वो वादा जो दशकों से उसके मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। इससे पहले राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो, तीन तलाक की बात हो, वो बड़े मुद्दे जिनका जिक्र भारतीय जनता पार्टी करती थी उन्हें वो निपटा चुकी है। यूसीसी उसका आखिरी बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में खुद से यूसीसी की चर्चा की, उसके बाद ये चर्चाएं और तेज हो गई हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य में इसके ऊपर एक कोशिश चल रही है। कुछ वक्त पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि यूसीसी पर दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं, उनसे राय ली जाएगी या नजर रखी जाएगी। सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लाने की चर्चा हो रही है, इस पर देश भर में खूब बातचीत हो रही है। चुनावी वर्ष में क्या हरियाणा में, क्या प्रदेश में इसका कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? क्या इस पूरे मसले को लेकर के हरियाणा में बीजेपी लीड? लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा 2024 के चुनाव के अग्निकुंड में घी का काम कर रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जनसंघ के समय से ही बड़ा मुद्दा रहा है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद अलग अलग सियासी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक और जहां बीजेपी की धुर विरोधी आम आदमी पार्टी यूसीसी पर समर्थन देती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने इसको बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई के मुद्दों से ध्यान भटकाने का जुमला करार दिया है। बताएं तो ये भी जा रहा है कि मोदी सरकार आने वाले मानसून सत्र में इसका खाका संसद के पटल पर रख सकती है। इन सारी चर्चाओं के बीच सवाल ये है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर सिर्फ केंद्र के चुनाव पर ही पड़ेगा या फिर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर भी इसका प्रभाव दिखाई देगा? खासकर हरियाणा में 2024 में होने वाले विधानसभा के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ सकता है? क्या यूसीसी केंद्र के साथ प्रदेश में होने वाले चुनाव को भी एक अलग दिशा दे सकता है? न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए इस पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह इंडियन नेशनल लोकदल से, मेहर सिंह आम आदमी पार्टी से, प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे बात करेंगे। विद्रोही जी, ये एक ऐसा विषय है जो चर्चा में भी आ गया है, और दूसरी बात ये है कि साथ ही साथ विपक्ष की जो एकजुटता के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत पटना में हुई और अगला अब बताया जा रहा है कि बेंगलोर में होगा, शिमला में नहीं होने जा रहा है, वो जो खबरें आ रही हैं उसमें भी अब दिखने लगा है। जैसे उद्धव ठाकरे गुट है, वो कह रहा है समर्थन करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा सैद्धांतिक रूप से हम इसके साथ हैं। चाहे या ना चाहे ये विषय चर्चा में तो खूब रहेगा, और अगर सरकार ले आती है तो फिर कुछ दिन तो इसके इर्द गिर्द ही रहेंगे। तो भाई ओंकार सिंह जी को, भाई मेहर सिंह जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जब भी कोई चुनाव आता है तो भाजपा के पास उपलब्धि गिनाने के लिए तो कुछ होता नहीं है। वो भावनात्मक मुद्दे वर्षों से बुनाती आ रही है। पिछला चुनाव भी उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान स्ट्राइक के नाम से जीत लिया, राम मंदिर के नाम से। अब ये चाहते हैं कि ये मुद्दे तो चले गए, अब यूसीसी के नाम से ले लो। यूनियन सिविल यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, उनका मुद्दा भाजपा ने हिमाचल में भी उछाला था, पर जनता का कोई असर नहीं पड़ा। हरियाणा में उछाल ले, ये ध्रुवीकरण की राजनीति, हरियाणा में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्यों? हरियाणा में मेवात को छोड़कर कुछ है नहीं, और कभी भी मेवात की ध्रुवीकरण की राजनीति हरियाणा में कोई फर्क पड़ता नहीं। और वैसे अगर आपने कहा कि भाई विपक्षी एकता पर, अब विपक्षी एकता का खाका तो बंगलोर में तय हो जाएगा। आपने कहा शिमला की जगह बंगलोर कर दिया, आपने अधूरी खबर सनसनी फैलाने के लिए। अरे नहीं, सनसनी फैलाई नहीं मैंने। आपका अधिकार है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने कोई मैंने कहा सनसनी फैलाई, और वो विषय भी नहीं है। विषय तो ये है कि वही उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी। सुन तो लीजिए, बोलिए, एक लाइन सुन लीजिए, मैं खत्म ही कर रहा हूँ उस लाइन को। आपने सनसनी फैलाने के लिए कहा, यदि आप ये कह देते कि शिमला में विपरीत मौसम की वजह से भविष्यवाणी। सर उसमें कुछ गलत थोड़ी हो गया, सनसनी कैसे फैल गई इस बात से बताइए। एक पत्रकार का धर्म पूरा हो जाता। सर मैंने कौन सी सनसनी फैला दी? वो आपको लग रहा है, मैंने कहा वो शिमला में नहीं हो रही बैठक, अब बेंगलोर में हो रही है, आप उसे सनसनी काहे ले गए?
सर हम भी समझते हैं। अरे सर वो आप ही समझते हैं बस, कोई और नहीं समझता उस बात को। चलो मैं समझता हूँ, मैंने अपनी बात ठीक है, अधिकार तो है सर। अगर आप मेरा अधिकार, सर अधिकार में प्रतिकार का अधिकार भी मत छीनिए ना। मैं नहीं छीन रहा, मैं कह रहा हूँ आपका अधिकार आप कर सकते हैं, मैंने सवाल यही कहा है। अब आपने कहा इसका विपक्षी एकता पर, देखिए विपक्षी एकता पर क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो 13 और 14 को जो बंगलोर में बैठक होगी उसके अंदर कौन सा दल जाएगा कौन सा दल नहीं जाएगा उसका अपना अधिकार क्षेत्र है। आप पार्टी की जहां तक बात है, आप पार्टी से हमारा समझौता संभव नहीं है। पंजाब में और दिल्ली में दोनों जगह आप भी चुनाव लड़ेगी और हम भी लड़ेंगे, ये हमारी भी क्लियर स्टैंड है और आप पार्टी का भी क्लियर स्टैंड है। अन्य राज्यों में आप पार्टी क्या स्टैंड लेती है ये 13 या 14 को उनके जाने या न जाने से पता चल जाएगा। उद्धव ठाकरे जी ने जो कहा है उसको आप दूसरी उसकी लाइन और कर देते हैं। उन्होंने कहा सभी स्टेक होल्डरों को विश्वास में लेकर और उनको संतुष्ट करके लाया जाए, हम इसका समर्थन करेंगे। अब यूसीसी की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी मौजूद है। जो आप यूसीसी में लाना चाहते हैं वो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर उत्तराधिकार का कानून अलग है, जो आप यूसीसी में लाना चाहते हैं वो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। आप यूसीसी लाएंगे तो केवल इसका मुस्लिमों पर असर नहीं पड़ेगा, हिंदुओं पर भी पड़ेगा। जो हिंदुओं के 5 कानून है उन पर आपने संशोधन करना पड़ेगा, हिंदू क्या रिएक्ट करते हैं ये देखने की बात है। आदिवासियों पर इनका बहुत विपरीत असर पड़ेगा, क्यों आदिवासियों को हमने स्पेशल शादी का और संपत्ति का उत्तराधिकार का अलग अधिकार दे रखा है, आदिवासी भी हिंदू है उन पर असर पड़ेगा। सिखों का जो आनंद कारज एक्ट है वो अलग है, उन पर भी असर पड़ेगा, पारसीज पर भी पड़ेगा, जैन पर भी पड़ेगा, ईसाई पर भी पड़ेगा। मैं तो प्रदेश में पूछ रहा था, प्रदेश की बात कर रहा हूं। सुन लीजिए सर, खत्म कर देता हूं अभी। ये जो समाज के व्यापक लोग हैं ये किस तरह रिएक्ट करते हैं, और जहां तक हरियाणा का बात है, हरियाणा में ये चाहे सिविल कोड लाए या कोई नया कोड लाए, हरियाणा में कुछ असर पड़ना ही नहीं, क्यों हरियाणा में तो विपरीत असर पड़ेगा। हरियाणा में तो अगर कोई इसका लोग समर्थन की बजाय विरोध ही करेंगे, क्योंकि जो कुछ असर हरियाणा में पड़ना वो हिंदुओं पर ही पड़ना है, हिंदू बाहुल हरियाणा है। तो अगर कोई विपरीत असर पड़ेगा तो इन पर पड़ेगा, और यदि कुछ भी असर नहीं पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, आप कह रहे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है सर जी। प्रोफेसर रावल भाई लोकप्रिय हो चुकी है कि ये कुछ भी कर ले हरियाणा से। आपके जो बड़े वादे थे उसमें आखिरी वादा है ये तीन, वो यूसीसी, लेकिन वो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पॉपुलैरिटी पहले बहुत डाउन जा चुकी है। वरुण जी, अगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो इतनी बौखलाहट कांग्रेस के प्रवक्ता के भीतर ना होती। इस प्रकार से उनका उखड़ उखड़ कर आपके ऊपर चढ़ना और जिस प्रकार से वो मुजाहरा कर रहे हैं, मैं हैंडल कर रहा हूं। यूसीसी पर नहीं चढ़ा मैं। अरे नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा, छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, अरे विजय भाई, मैंने कहा मैं हैंडल कर लूंगा। राव साहब ठीक है, विजय पर रहिएगा, आपको पता समय कम होता है मेरे पास, विजय पर रहिएगा। अरे सर मुझ पर कोई नहीं चढ़ेगा, मैं संभाल लूंगा। चलिए, मेरे समय में भी यही बोलेंगे, अपने समय में ये बोलेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। इसलिए तो यूसीसी लेकर आ रहे हैं, यूसीसी इसलिए तो लेकर आ रहे हैं। देखिए, इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, इस देश में हर नागरिक को समान अधिकार मिलने चाहिए, उसके हर नागरिक पर एक समान किस्म का कानून लगना चाहिए, ये इस देश की मांग है। और ये इस देश की आज मांग नहीं है, ये जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय भी जो है, जो प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने इसको बहुत उचित समझा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र जो है और उसका प्रावधान जो है आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है 44वां जो आर्टिकल है उसमें भी उसका प्रावधान दिया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकारों को वहां से कहना शुरू किया गया। और एक बार दो नहीं, तीन तीन बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी को पूर्णता में लागू किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पहले ही वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा कर चुकी है, कांग्रेस वाले केवल इसको अधूर में छोड़कर गए थे, एक स्वप्न देख कर गए थे कि क्या वन नेशन वन टैक्स हो सकता है, हमने आकर हिम्मत करके उसको लागू करके दिखाया और आज वो बहुत सफल है, हिंदुस्तान के अंदर नए नए प्राचीर खड़ी कर रहा है। आज ही की रिपोर्ट है कि 22% अधिक जो है कलेक्शन हुआ है हरियाणा के अंदर। केवल वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, हमने लागू किया,
वन नेशन वन आइडेंटिटी की बात हो, शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद यही लोग विरोध में आ गए। किस प्रकार से है? आज इस देश की मांग है वन नेशन वन लॉ। देखिए, इस देश के अंदर से उपनिवेश जिस प्रकार का धीरे धीरे वो तत्व जो है उनको समाप्त करना भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। जब 1951 में जनसंघ की बात हो, चाहे 1986 अप्रैल जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उस समय हमने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई हो, और उसी प्रकार से इस देश में समानता का भाव आए, हर नागरिक के अंदर समान, हर नागरिक पर समान कानून लगे। लेकिन किस प्रकार से सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं ये लोग, खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हैं, मुझे तो लगा शर्म निरपेक्ष है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक कानून अगर सबके लिए लागू, उसको कह रहे हैं कि सांप्रदायिक है, उसको मेवात से जोड़ दिया, उसको एक पंथ से जोड़ दिया। देखिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी किसी पार्टी के अंदर है, उस पार्टी का हो सकता है एक आधिकारिक विचारधारा हो कि हिंदुस्तान को हमेशा अलग थलग रखना हो, लेकिन उनको बता दूं हमारे संस्कारों के अंदर धर्मनिरपेक्षता है, हमारे संस्कारों के अंदर टॉलरेंस है। दुनिया के अंदर एकमात्र भारत ऐसा दल है, भारत ऐसा देश है जहां पर जिस समाज की बात कर रहे ना, उसके चारों, वरुण जी बताइए, हरियाणा में इसका इम्पैक्ट रहेगा? वो कह रहे हरियाणा में तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। मैं अपनी बात पूरी कर उनकी बात का जवाब दूंगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर मुस्लिम समाज के चारों फिरके रहते हैं। अगर पारसी अपने देश से खदेड़े गए तो उनको शरण कहां मिली? भारत में मिली। अगर यहूदियों के साथ कहीं अन्याय नहीं हुआ तो भारत में हुआ। बौद्धों को, जैन को पुष्पित पल्लवित कहां हुए? भारत में हुए। सिख समाज अपना देश किसको मानता है? भारत को मानता है। तो इनका ये कहना बिल्कुल गलत है। गोवा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पर पहले से जो है ये लागू है, और गोवा जो है ईसाई बहुल प्रदेश है। जब क्रिश्चियंस को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब बौद्ध को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब जैन को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब यहूदी को कोई दिक्कत नहीं है, जब पारसी को कोई दिक्कत नहीं है, और मैं आपके सामने एक के बाद एक जब से बहस चली है मुस्लिम समाज के स्कॉलर्स ने आके कहा है, तो ये वेद प्रकाश विद्रोही और इनके साथियों को दिक्कत क्यों है भाई? ये इस देश को एक क्यों नहीं होने देना चाहते? और ये जिस प्रकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं, कंक्लूड करिए, इनको इनको पता होना चाहिए कि हमारा तो मूल स्वभाव धर्मनिरपेक्षता का है। भारत तो धर्मनिरपेक्षता के पूरे विश्व के अंदर विख्यात रहा है। अटल जी की कविता है ना, गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव का हृदय जीतना मेरा निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। सर कंप्लीट करें, हिंदू ये जो देश है इसका मूल जो नेचर है वो जो है धर्मनिरपेक्ष है। उसके इस फैब्रिक पर कांग्रेस और उसकी समर्थित पार्टियां हमला नहीं कर सकती। यूसीसी इस देश का अधिकार है, अंबेडकर जी द्वारा दिया हुआ अधिकार है, नेहरू जी उसको स्वीकार नहीं कर पाए, नेहरू जी की विदेशी सेकुलरिज्म उनको मुबारक। हम उन सारे विदेशी तत्वों को निकालना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, ये जो कॉलोनिज्म के जो छूटे हुए हटाना चाहते हैं, उनका आखिरी दंश जो है इस देश के अंदर अलग अलग कानून होना। ठीक है राहुल साहब, पूरा देश, मैं फिर आऊंगा दूसरे राउंड में, तब आगे बात करूंगा। ठीक है ओंकार सिंह जी, मैं मूल प्रश्न पर ही आ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो मामला है चर्चा में रहेगा, खूब चर्चा में रहेगा, और अगर आने वाले मॉनसून सत्र में ये अगर पेश होता है सदन में तो और चर्चा होगी। मैं मूल प्रश्न पर आ रहा हूं, हरियाणा में इसकी कितना इसका असर इंपैक्ट रहेगा? वरुण जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के बात का जवाब देता हूं, तो तब यूसीसी पे बात करूं। देखो हरियाणा तो क्या पूरे देश में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जान चुकी है ये जुमले और जुमेलों की पार्टी। आज बात होनी चाहिए बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, अपराध पर, आज बात होनी चाहिए कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, लेकिन आज बात इन्होंने एक चुनाव के सामने में एक नया जुमला फेंका। 9 साल पहले कहां थे, सो गए थे क्या? और दूसरी बात, अब मैं आता हूं यूसीसी के ऊपर, आपके बात का जवाब दे दिया मैंने, ना तो इसका हरियाणा में असर आएगा ना ही देश में आएगा। हाँ, चंद अंध भगत इसके ऊपर जरूर बातें करेंगे। दूसरी बात यूसीसी के ऊपर, मैं संविधान की बात करूंगा। संविधान के 2 आर्टिकल है जो यूसीसी को प्रभावित करते हैं। पहला आर्टिकल तो मेरे भाई विदु रावल ने बता दिया, आर्टिकल 44 अध्याय 4 का, उसमें स्पष्ट लिखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रत्येक राज्य इसके लिए प्रयास करेगा। मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसी भी स्थिति में प्रेशराइज नहीं है कि राज्य इसको लागू ही करेगा, प्रयास करेगा। दूसरा, हमारे संविधान का आर्टिकल 14 समानता का नियम कहता है, रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ इक्वालिटी, उसमें स्पष्ट लिखा है समान परिस्थितियों में समान नियम लागू होगा। असमान परिस्थितियों में समान नियम लागू करके
समानता का अधिकार ठीक नहीं होगा, ये और असमानता को बढ़ाएगा, स्पष्ट लिखा है। अब मैं आता हूं यूसीसी के ऊपर। देखिए हमारे भारत की खूबसूरती क्या है, हर 40 किलोमीटर के ऊपर वरुण जी, हर 40 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, और हजारों छोटे छोटे धर्म और संप्रदाय हैं हमारे देश में, हजारों, सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, हजारों हैं, और ऐसे छोटे छोटे जातियां हैं जिनके अपने नियम हैं, और उन नियम को कोर्ट भी सम्मान देता है। आज ऐसी जरूरत अगर विदु रावल को नजर आ रही है तो 9 साल पहले बात करते, आज चुनाव का समय आ गया, आज बात होनी चाहिए बेरोजगारी के ऊपर, आज बात होनी चाहिए 2 करोड़ रोजगार देना था, और ये कहते हैं वन नेशन वन लॉ, मैं इनकी बात पर मानता हूं वरुण जी, बस मैं इनकी बात मानता हूं, वन नेशन वन लॉ, ये कहते हैं वन नेशन वन टैक्स, अरे महा झूठो, वन नेशन वन टैक्स कहां से हो गया, इनकम टैक्स हमें आज भी देना पड़ रहा है, रोड टैक्स आज भी दे रहे हैं, आज भी कम से कम 50 किस्म के टैक्स दे रहे हैं। आप जीएसटी लगाया था जब, तो मोदी साहब ने क्या बोला था, इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, बोला था नहीं बोला था, आज इनकम टैक्स दे रहे हैं। दूसरा ये अंधभक्त लोग दूसरा उदाहरण देते हैं, वन नेशन वन कार्ड, अरे 20 तरह के कार्ड है, अभी हरियाणा में आपके खट्टर साहब ने एक नया परिवार पहचान पत्र एक और लागू कर दिया, कहां है वन नेशन वन कार्ड, कहां है आधार कार्ड, आप इनकम पैन कार्ड आधार कार्ड वोट कार्ड पीपीपी पता नहीं कितनी तरह के तो आपने कार्ड बना दिए। अरे झूठ बोल के कब तक जनता को छलोगे, ये जुमले और जुमेलों की पार्टी, जनता आज इनको जान चुकी है, आज इनके जाने का समय है, अगले साल इनके जाने का समय है। अब इन्होंने देखा कि लोग रोजगार की बात करेंगे, लोग करेंगे अपराध नंबर एक पे है, लोग कहेंगे भ्रष्टाचार नंबर एक के ऊपर है, लेकिन इन्होंने आज एक नया जुमला निकाल दिया यूसीसी। अगर निकालना ही था 2014 में सरकार बनी थी तब क्या हुआ था, तब क्या मुंह में दही जम गई थी, नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की बात करते हैं। ठीक है जी ओंकार जी, प्लीज मैं आ गया हूं, देखिए मैं आता हूं, नहीं एक मिनट दीजिए, मेहर सिंह जी बहुत देर से बैठे, मैं आऊंगा ना। मेहर सिंह जी भाई, आपकी पार्टी सैद्धांतिक रूप से यूसीसी के साथ है या अभी विचार कर रही है? बिल्कुल यूसीसी के साथ है, लेकिन यूसीसी के साथ है लेकिन उसमें हमारी ये है कि सर्वसम्मति से होना चाहिए, और सर्वसम्मति का मतलब मैं इससे जोड़ दूंगा, क्योंकि ये पार्टी का स्टैंड है, और सर्वसम्मति का मतलब है कि सबसे चर्चा हो। पहले तो कोई ड्राफ्ट लाना था, अब विधि आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी है, वो ड्राफ्ट तो नहीं है, उस पर बात तो नहीं हो सकती। ये ड्राफ्ट जो सरकार लाती है वो कब लाएगी, आज 10 महीने इलेक्शन के बचे हैं, ड्राफ्ट आज तक नहीं आया है, एकदम से फिर ये लोकसभा में आएंगे दौड़ के और किसी कमेटी को नहीं भेजेंगे और उसी समय ये पास करवाने की कोशिश करेंगे, किसी की बात नहीं सुनाई दी जाएगी। मैं ये कहता हूँ आपको तरीका पता लग गया था, सुनो हम इसके फेवर में हैं, लेकिन ये जो समाज है अलग अलग समाज है, और आप तीन से कतर का देखिए, जैसे नागालैंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और आपका असम है, और मणिपुर है, मिजोरम है, इनमें ये दिया हुआ है 371 में कि भाई आप उनके कस्टम वगैरह से, आप उनके रीति रिवाज से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई भी पार्लियामेंट का कानून वहां लागू नहीं होगा, तो उसको पहले चर्चा तो कर लें उस पर, वहां क्या होगा, पार्लियामेंट का कोई कानून वहां लागू नहीं होगा, यही स्थिति। हाँ 371 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मैंने अभी पढ़ा है 5 मिनट पहले, 10 मिनट थोड़ा और पढ़िए मेहर सिंह जी, 1 मिनट कंप्लीट फिर से पढ़िए। 371 ए नागालैंड पे लागू होता है, 371 बी अरुणाचल प्रदेश पे लागू होता है, इसी तरह से एक श्रृंखला है, 12 स्टेट हैं जी, एक स्टेट नहीं है, 6 तो मैंने गिना दी, उसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और उसके बाद फिर आपका कर्नाटक और गुजरात और महाराष्ट्र, इनके रीजन दिए हुए हैं कि ये इन इन एरिया में ये है कि इनके साथ जो छेड़छाड़ नहीं की जाएगी गवर्नर के अधिकार। अच्छा इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात है कि इनकी कोई मनसा भी नहीं है ऐसा लागू करने की। अच्छा ये तो सिर्फ इसको एक ध्यान भटकाने की बात है, और ये जो अगर चर्चा करते उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए सब जगह जाना पड़ता, इन्होंने किसी से बात ही नहीं की, और किसी से बात ना करके अपना एक घोषणा कर दी कि हम इसको लागू करेंगे। अरे भाई कौन मना कर रहा है लागू करने से, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन इन चीजों पर चर्चा हो तभी तो लागू होगा। ठीक है, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कभी नहीं कहा कि मैं नहीं हम नहीं लागू करेंगे, ऐसा तो कोई नहीं है, कोई खिलाफ है। चलिए मैं आगे जवाब लेता हूँ, एक तरीका होता है। ठीक है जी। मैं एक सर एक बात आपकी पूरी करना चाहता हूँ, एक मिनट लूंगा उसमें, कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्रेडिट वाली बातें आती हैं
कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मैं दोबारा से ये इम्फेसाइज करना चाहता हूँ, मनसा अगर होती तो चुनाव से पहले नहीं पिछले 9 सालों में जैसे हमारे बोला है तो ये सभी ले आते, ठीक है। और इनको हाँ एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, जल्दी सर जल्दी, सही नहीं है, एक सेकंड बस पूरा कर रहा हूँ, एक सेंटेंस बोल के। जो हिंदूज में एक बेनिफिट है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में टैक्स बेनिफिट है, तो अगर उसको यूसीसी में ला दिया तो फिर क्या होगा, तो इसका मतलब उनका बेनिफिट छीन लेंगे ये हिंदू समाज का। चलिए प्रोफेसर रावल भाई, आपको जितने भी लोग हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सबका ध्यान रखना होगा। इतना आपके पास पॉलिटिकल स्पेस है जितना डिबेट में स्पेस खाते हैं हम लोग। चलिए भाई चुप रहिए प्लीज, बोलिए तो आप बात कीजिए। तीनों मेयर सिंह जी, जवाब लेता हूँ, फिर डिले हो जाएगा मामला। तीन प्रवक्ता ने बोला मुझे जवाब दे, मैंने बोल दिया कि मुद्दे पे आएंगे, सीधा टू दी पॉइंट मुद्दे पे आएंगे, ठीक है। रुकिए रुकिए मेयर सिंह जी, रुक जाइए अब, रुकिए। हाँ जी, हाँ बोलिए राहुल साहब। अरे भाई आप बीच में मत बोले, मेरे को जरूरत नहीं, आपका नाम भी नहीं लूंगा मैं, छोड़िए। अच्छा वरुण जी, आपके तीनों जो पैनलिस्ट है, तीनों अलग अलग दल के लोग हैं, इन तीनों ने जो बात कही ना, ये बड़ी ये तीनों ही समप कर सकते हैं कि आज तक यूसीसी लागू क्यों नहीं हुआ, जबकि संविधान निर्माताओं ने 9 साल हो गए आपने लागू क्यों नहीं किया। अरे भाई बीच में 9 साल हो गए, ओंकार जी जवाब तो लेने दीजिए, ओंकार जी को जवाब लेने दीजिए, ओंकार सिंह ओंकार जी को जवाब लेने दीजिए, प्रोफेसर साहब रुकिए, ओंकार जी को जवाब ले रहा हूँ, ओंकार जी जवाब लेने दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं बोलिए राहुल साहब, सीधा ये बोलिए, 9 साल वो कह रहे 9 साल में क्यों नहीं लागू किया। तुम्हारे भाई मुंह में नहीं जम गया, नहीं भाई भाषा ही मर्यादा बनाकर बात करें प्लीज, सभी से मेरी गुजारिश है भाषा ही मर्यादा ना टूटे बिल्कुल भी। प्रोफेसर रावल 9 साल में क्यों नहीं लागू हुआ, वरुण जी प्लीज को जवाब नहीं दीजिए ना, बोलिए बोलिए, ऐसे पढ़ रहे हो क्या, बोलिए बोलिए बोलिए। वरुण जी मैं सभी के बीच में बड़ी शांति से उंगली उठाकर आपका इंतजार, आपके निर्देश का इंतजार करता हूँ, लेकिन ये लोग कैसे हैं जो मेरे बीच में बोलते हैं। चलिए आप जवाब दीजिए। चलिए अच्छा, ये जो तीनों लोग हैं ना, इन्होंने जो बहानेबाजी की, ये बहानेबाजी जो है अलग अलग तरह की। पहला व्यक्ति तो कहता है कि ये देश को एक नहीं रखना चाहते, यानी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से यूसीसी के प्रति डराती रही, जबकि संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि ये यूसीसी पहले दिन से लागू हो। इसी प्रकार से एक दूसरी पार्टी आई जिसने कहा कि अरे नहीं यूसीसी की क्यों बात करते हो, दुनिया भर की और बातें करो, बेरोजगारी की बात करो, विकास की बात करो, जैसे और दिन बेरोजगारी की बात होती ही नहीं है, यूसीसी की कीमत पर ही बेरोजगारी की बात होनी है केवल। और तीसरे व्यक्ति ने कहा हम समर्थन तो करते हैं लेकिन, और लेकिन के बाद असली सब शुरू हुआ। दरअसल इन सबको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आज से नहीं, जब जनसंघ बना था ना 1951 तब से प्रतिबद्धता है यूसीसी शुरू करने की। जब हमारा दूसरा अवतार आया भारतीय जनता पार्टी, उसके 3 कोर इश्यूज में महत्वपूर्ण था। हर व्यक्ति को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब यूसीसी लागू होना। दूसरे व्यक्ति ने कहा चुनाव के समय कर रहे हैं। एक और विषय था अनुच्छेद 376 तोड़ने का। हमने आते ही 1.5 महीने के अंदर जो 5 अगस्त को पहला काम किया 2019 में, वो हमने किस प्रकार से चुटकी बजाकर जो है वो 370 तोड़ दिया गया। ये कहते थे असंभव है, खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर नहीं मरा। और क्यों नहीं मरा, क्योंकि हमारी प्रमाणिकता है, हम प्रमाणिकता के साथ आते हैं। एक बात बिल्कुल सही है, ये देश के अंदर हर कानून जो है आम सहमति के साथ आना चाहिए। मेयर सिंह जी कितनी बात ठीक है, माफी चाहूंगा उनका नाम ले लिया मैंने गलती से, लेकिन ये इसी कारण से ही तो इतने लंबे समय तक ये पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय रहा। लो कमीशन ने दूसरी बार जो है अपनी वेबसाइट पर डालकर इसके लिए सुझाव मांगा है। यह चर्चा का विषय निरंतर है, यह कोई आज आकर आउट ऑफ द ब्लू नहीं शुरू हुआ। आज तो आपकी आवश्यकता है एकदम हाथ जोड़कर खड़े होना, और मैं ये मानता हूं कि जो जो यूसीसी के विरोधी हैं वो भारत की एकता और अखंडता के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि 1878 में यही जो भयंकर जो दलीलें दे रहे हैं ना वेद प्रकाश विद्रोही जी, लगभग यही बात 1878 में सैयद अहमद खान ने कही थी अलीगढ़ में, और वो टू नेशन थ्योरी की जड़ बनी। यही बात जो है 1940 में और उसके बाद 1944 में लखनऊ पैक्ट में यही बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। क्या कहते थे वो, इस देश में तो विविधताएं इतनी सारी हैं,
ये देश तो एक हो ही नहीं सकता, एक जैसा कानून इस देश पर लागू हो ही नहीं सकता, यही बाद में जाकर विभाजन की जड़ बना और इस देश को विभाजित कर कांग्रेस ने इस देश पर राज स्वीकार किया और आज फिर ये वही बात कह रहे हैं, डेंजरस है। नहीं, वो ये कह रहे हैं आज इसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्यों नहीं जरूरत है? फिर सुप्रीम कोर्ट बार बार क्यों कह रहा है, तीन तीन बार सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि है? और फिर अगर जरूरत नहीं होती तो क्या ये बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं क्या, जो संविधान सभा के अंदर जिसमें ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चलिए ठीक है, मैं विद्रोही जी के पास जा रहा हूँ, ठीक है। विद्रोही जी जिस पार्टी के नेता है, विद्रोही जी जिस पार्टी का है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे तुम्हें आज याद आया आपने, अच्छा तो कराची में भी दौड़ की थी ना, विकास को लाहौर और कराची में भी किया था ना, विकास को लाहौर और कराची में भी किया था। आज लाहौर किसके पास है, आज कराची किसके पास है, आज फैसला किसके पास है? हम विकास की बात भी करेंगे और हम यहाँ पर देश को समझे, इन खतरनाक लोगों के मनसूबों को समझिए। यह सत्ता का लोगों का करोना लग जा, बेरोजगारी भी दूर की थी, विकास भी। वरुण जी मुझे एक जल्दी कंप्लीट करें, मैं फिर जा रहा हूं, मैं विद्रोही जी के पास जा रहा हूं, रुकिए एक मिनट, ओंकार जी आऊंगा, ओंकार जी फिर आ रहा हूं आपके पास जल्दी से, ओंकार जी फिर आ रहा हूं आपके पास जल्दी से आ रहा हूं, कंप्लीट करिए। ओंकार जी के ओंकार की बात का जवाब एक सेंटेंस में देता हूं मैं। देखिए, हिंदुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था तो सबसे विकसित शहर कौन कौन से थे? व्यापार बहुत सुंदर था कराची के अंदर, बड़े बड़े बंदर कहाँ थे? अरे बीच में मत बोलो बदतमीज व्यक्ति। अरे नहीं भाई, इस तरह की भाषा इस्तेमाल मत करिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी भाषा को इस्तेमाल नहीं करेगा, बिल्कुल इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। किसी भी स्क्रीन पर किसी भी तरह की भाषा चल जाए ऐसा नहीं होता है, कम से कम यहाँ तो नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसी भाषा को इस्तेमाल नहीं करेगा। रंगदारी के आरोप हैं, बिल्कुल भाषा नहीं, कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं, कोई भाषण रुके। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो कुल मिलाकर मैं आ रहा हूँ, मैं फिर दोबारा आऊंगा राहुल साहब, प्लीज, नहीं नहीं मैं दोबारा आ जाऊंगा, बस रुकिए। लेकिन देखिए, भाषा की मर्यादा सबको बना के रखनी होगी, कम से कम इस चर्चा में बोलना चाहिए। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बीच में मत बोलिए, लेकिन उसके बाद अगर कोई बीच में, मेरा वाक्य पूरा होने दीजिए, 10 सेकंड लीजिए, सिर्फ 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड लीजिए। तो अच्छा रुक जाइए ओंकार सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज मैं आऊंगा, एक मिनट रुक जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मुझे ये बताइए, बीजेपी ये कहना चाह रही है अब कि आप यूसीसी के नाम पर अब लोगों को डराएंगे? नहीं, ऐसा है वरुण जी, हमें डराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, और जिस तरह का देश का संघीय ढांचा है, अगर संसद में यूसीसी पास भी हो जाता है तो बहुत से राज्य नहीं लागू करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ये उनका अधिकार है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि भाई कानून आयोग क्या लॉ कमीशन ने वेबसाइट पे डाल दिया, ये शायद पढ़ते नहीं है, क्योंकि पढ़ना इनकी कमजोरी है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्यादा पढ़ते हैं। इसी मोदी सरकार के कार्यकाल में 2017 में लॉ कमीशन ने बिल्कुल रिपोर्ट दे रखी है कि भाई यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है, और हिंदुस्तान की डायवर्सिटी को और हिंदुस्तान के विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए यूसीसी लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। इस लॉ कमीशन की ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास मौजूद है, आप देख सकते हैं, दावे कर देते हो, मिसलीड होते हैं लोग, फिर बीच में बोल रहे हो, हम तो आपके बीच में एक सेकंड नहीं बोले, आप क्यों? अरे सब बोलते हैं मेरे बीच में, क्या करूं मैं? विद्रोही जी एक बार भी नहीं बोले, मैं बोला, चलो बोलिए विद्रोही जी, झूठ मत बोलिए, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दिया, वो तो दिखा दो, वो तो दिखा दो, वो तो दिखा दो, वो तो दिखा दो, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, क्या करेगा? मैं कह रहा हूँ कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट के पास सच नहीं होता है, कब किया आपके कार्यकाल के अंदर, कहाँ पर रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट कहाँ पर थी? लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, आपने एक नया नहीं है उसकी, नहीं है, झूठ बोलने से आप तो एक दिन और झूठ बोला गया था, झूठ आप बोल रहे हैं, आपने झूठ बोला था, ठेका तो भाजपा के पास है, मेरा पास झूठ का ठेका नहीं है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, अरे आधी जानकारी लेकर आते हो, यहाँ पर लिखे लोग बैठे हैं सामने, झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा, 2017 में पीपल। अच्छा, अब तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं ना भाई, अब रुक जाइए, अब तो लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे हैं,
वरुण जी, हाँ। वरुण जी जो वर्तमान सुझाव इन्होंने अलग मांगे में इनकार नहीं कर रहा, हाँ। पर 2017 में लॉ कमीशन इस पर रिपोर्ट दे चुका है, उसको देख लेंगे। मैं चैलेंज करता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। भाई लॉ कमीशन करता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। चैलेंज नहीं किया जा सकता, कमीशन बनाने का झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि लॉ कमीशन ने 2017 में रिपोर्ट दे रखी है कि भाई यूसीसी वो रिपोर्ट अगर ये ले आए तो मैं टीवी चैनल पर आना बंद कर दूंगा। मैंने कहा वो रिपोर्ट ले आए, मैं टीवी चैनल पर आना बंद कर दूंगा। नहीं ला पाए उसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे, अगली डिबेट में देख लेंगे। चलिए जी, कंप्लीट करेंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब उनमें हिंदुओं से भी आप वो 5 कानून भी बदले जाएंगे, सिखों का कार्य एक्ट भी बदला जाएगा। विभिन्न धर्म एक धर्म के नहीं है, हिंदुस्तान के 10 धर्मों के 10 कानून है सर हिंदुस्तान में पर्सनल लॉज के। वो शादी ब्याह कस्टम प्रथाओं के हैं, वो अलग अलग है। और इन कस्टम और प्रथाओं से कोई पीड़ित ना हो, कोई इनको नहीं माने, तो उसको भी अधिकार देने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने स्पेशल मैरिज एक्ट बना रखा है। कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उस कानून का प्रयोग कर उस एक्ट का कोई भी धर्म का व्यक्ति यदि जो धर्म के 10 कानून अलग अलग है उनको नहीं मानता, तो उत्तराधिकार का कानून अलग हिंदुस्तान में बना हुआ है, उसका भी प्रयोग ले सकता है। तो इसका मेरे कहने का अर्थ ये है, ऐसा नहीं है कि नागरिक कोई भी धर्म का हो, अगर वो चाहे अपने धर्म से इत्र, वो ऑलरेडी प्रावधान हमारे संविधान में गलत कह रहे हैं। ठीक, आप कह रहे हैं इसका बहुत इंपैक्ट, इसका बहुत असर जमीन पर होने वाला नहीं है। ठीक है विद्रोही जी, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी वरुण जी, आप स्पेशल मैरिज एक्ट पढ़ लीजिए, बहुत लोगों ने शादी कर रखी है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। आप सक्सेशन एक्ट पढ़ लीजिए। और दूसरी बात, सबसे विपरीत प्रभाव आदिवासियों तो फिर आने दीजिए ना आप, क्यों अगर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि जब सरकार ड्राफ्ट लेकर आएगी, हाँ। सरकार क्या चाहती है, तो मैंने कहा है कि सभी स्टेक होल्डर्स अपना कमेंट देंगे, अभी तो कुछ है ही नहीं। चलिए ठीक है, अपना कमेंट देंगे, थोड़ा समय कम है, मैं जल्दी जल्दी आता हूँ। जी जी, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, करेंगे ठीक है। मुद्दों से भटका कर नहीं, कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, कोई बीच में अभी कोई बोलने नहीं, नहीं नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, अरे मैं समय दूंगा, मुझे पता है कोई नहीं बोलने। अरे नहीं, मैं बोलूंगा, अरे आप रुकिए, तो मुझ पर तो भरोसा रखिए। ओंकार सिंह जी 30, अरे नहीं नहीं, ओंकार सिंह जी 30 सेकंड लीजिएगा बस, अब समय कम है। अरे रुकिए प्रोफेसर साहब, आ रहा हूं ना, मुझ पर भरोसा रखिए। अरे मैं आ रहा हूं, 30 सेकंड बोलिए ओंकार सिंह जी, ऐसे तो बचते हैं भाई, कंक्लूड करेंगे ना, आप रुकिए 30 सेकंड लीजिए ओंकार जी, अरे बोलने देंगे, रुकिए रुकिए, मैं बुलवाऊंगा, अरे मैं बुलवाऊंगा सर, मुझ पर तो यकीन रखिए प्रोफेसर साहब, प्लीज। हो गए 10-12 साल करते हुए काम, ओंकार जी 30 सेकंड लीजिएगा। विशेषता और खासियत क्या है भारत की? विशेषता अनेकता में एकता, भारत के गुलदस्ते में अनेक रंग के फूल हैं, सब रंगों का सम्मान करे बीजेपी, सबसे विचार विमर्श करे, और कोई ड्राफ्ट ले आए, कॉमन सहमति से ले आए, क्यों इनको कोई मना करेगा क्या? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यूसीसी है क्या? यूसीसी है संपत्ति के अधिग्रहण और प्रयोग, विवाह, तलाक और गोद लेने संबंधित नियम है, ये है यूसीसी। अब ये बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट में इनकी मैरिज होती है, आनंद मैरिज एक्ट में सरदारों की मैरिज होती है, हमारी शादी गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे फेरे लेके होती है, इनकी शादी 7 फेरे से होती है, आप इसको कैसे कोमल नामे लेके आओगे? आपको स्टेक होल्डर को बिठा के उनसे विचार विमर्श तो करना पड़ेगा, लेकिन ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैं बता रहा हूँ वरुण जी, एक मिनट लूंगा बस, देखिए इनको किसने मना किया? 9 साल हो गए ले आते, आज ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि सबसे झूठी पार्टी ये है, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने बिल्कुल चुनाव से समय, समय मेरे पास नहीं है, मैं ऑलरेडी समय से आगे जा रहा हूं। इनको पता है, 30 सेकंड लीजिएगा बस, या यूसीसी लाए या कुछ लाए, जनता पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला, प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मैं भी 30 सेकंड लीजिए आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, 30 सेकंड मेरे दीजिए ओंकार जी प्लीज, ओंकार जी समय इतना ही था मेरे पास, प्लीज ओंकार जी, गरीब आदमी का पेट भाई, अब हम ओंकार जी को प्लीज डाउन कीजिए, बोले मेयर सिंह जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने 2-3 बातें उठाई थी कि हम इसके फेवर में हैं, लेकिन उन लेकिन में 2-3 बातें थी, एक तो हिंदू जो ज्वाइंट फैमिली है संयुक्त परिवार में जो कर्ता का रोल है वो टैक्स बेनिफिट लेता है, एक तो उस पे
हमारे माननीय प्रवक्ता राहुल जी नहीं बोले, 371 पे इन्होंने कुछ नहीं कहा, और जब इन्होंने क्या कहा कि हमने मंदिर बनवा दिया, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से बनाया है, ये सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, चले 370 पे तो आपने समर्थन दिया था ना, 370 में समर्थन दिया था, हम कब मना कर रहे हैं। ठीक है सर, समय इतना ही है ना मेरे पास जी। उसके अलावा एक बात हो रही, नहीं मेरे 30 सेकंड पूरे नहीं हुए, एक मिनट। जो पॉलीगैमी है, पॉलीगैमी है, पॉली एंड्री है, हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पर है, उत्तराखंड में है, तो ये सब जो है, और मातृ प्रधान समाज है जहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, उनकी उनसे कई चर्चा की, इनसे पूछिएगा, उनसे आपने चर्चा की है, क्या करोगे उनका जी, मूल प्रश्न का सर भाव आ गया, मैं समझ गया। इनको लाना नहीं आता, लाए तो ला तो रहे हैं ये, लेकिन हाँ। लाना नहीं आता ना, ये ला रहे हैं अभी तो लाख। चलिए ठीक है, ठीक है प्रोफेसर मिजोरावल, ज्यादा नहीं, एक मिनट लीजिएगा, कंक्लूड कीजिएगा। इनके साथ समस्या ये है कि ये चांद में भी दाग ढूंढते रहते हैं, अभी ड्राफ्ट आया नहीं है, फिर बार बार क्यों चिल्ला रहे हैं, इंतजार ही कर लीजिए ड्राफ्ट की, उसी के बाद चर्चा कर लेना। लेकिन आपने कोसना है कुछ भी करके, अगर मैं जल्दी जल्दी बात कहूं, बेरोजगारी का किसी ने विकास का विषय उठाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, दिन के पूरे साल के 364 दिन इन्हीं पर चर्चा रहती है, ऐसा नहीं कि कभी चर्चा नहीं होती। आज यूसीसी वाला दिन ना चुनिए, क्यों नहीं चुनिए, क्योंकि मैं फिर से कहता हूं कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय देश के सबसे विकसित जो सिटीज थे उनमें एक कराची था, बड़े बड़े बंदरगाह थे वहां पर, उस समय सबसे एजुकेशन में फॉरवर्ड जो प्रदेश, जो अरे फिर बीच में सब, आपकी आवाज जा रही, राहुल साहब बोले जल्दी से, बस ठीक है ठीक है। तो सबसे बेहतर जहां पर शिक्षा व्यवस्था थी वो लाहौर था, नेशनल कॉलेज लाहौर में था, डीएवी कॉलेज लाहौर में था, लेकिन जब देश आजाद हुआ तो ना तो लाहौर भारत में रहा, ना कराची भारत में रहा, वो विकास और वो बेरोजगारी जो हटाई किसके काम आई। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज इंपॉर्टेंट है, विकास भी इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी भी, लेकिन इस देश की एकता और अखंडता भी बहुत जरूरी है। रही बात धारा 9 साल के बाद याद आ गया, अरे नहीं था क्या? चले सर, क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, लेकिन स्टेक होल्डर से बात करने का विषय सबने उठाया है, देखते हैं ड्राफ्ट सामने आएगा तो क्या होगा। आप सही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हो रही है यूसीसी की और प्रदेश में इस पर राजनीति कितनी गरमाएगी, ये देखना होगा। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।